नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण तुरकौलिया प्रखंड अंतर्गत जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में। खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां जनता दल यूनियन संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे तुरकौलिया, जहां जयसिंहपुर के मंगनुआ में मृतक सुरेंद्र सिंह के यहां पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारजनों को दिया सांत्वना। अब वो चले गए तो कोई नहीं उनको लौटा सकता है, लेकिन बाकी हम लोगों से जितना बन पाएगा समाज के लिए वो करते रहते थे। समाज आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। जब कुछ लगे तो जरूर हमको सूचना दीजिएगा, हम हमेशा करेंगे जो हम सब। उसके बाद तुरकौलिया जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अजय पटेल के यहाँ पहुँचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा चंपारण में कोरोना और बाढ़ की समीक्षा यात्रा पर हैं, जहाँ कोरोना और बाढ़ से मरे लोगों के परिजनों से मिल रहे हैं। मौके पर सभी जेडीयू के वरीय नेता एवं सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुगौली संवाददाता सफी अहमद की रिपोर्ट। कभी कभी जो नहीं आना चाहिए हो जाता है, लेकिन क्या कीजिएगा, ऐसी दुनिया चलती है। हैज रखिए, बाल बच्चा सब है, हैज रखिएगा तो ये सब का भी हौसला थोड़ा रहेगा। तो और ज़्यादा देखिए, उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में अपने को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। दुखद घटना है, उनके परिवार की आवश्यकता के लिए हमने उनको आश्वस्त किया है कि जब कभी कुछ लगे तो यहाँ और भी साथी हैं, उनके माध्यम से सूचित करेंगे तो हर तरह से हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। उनकी दुखद मौत बिजली लगने से हुई है, उसमें भी सरकार का प्रोविजन है और उस प्रोविजन के आधार पर परिजनों को मुआवजा मिलेगा और हम लोग कोशिश करके जल्दी से जल्दी उनको दिलवाएं। सर, चंपारण की यात्रा पर हैं, कोरोना और बाढ़ पीड़ितों की स्थिति देख रहे हैं, दशा भी से देख रहे हैं। अभी आपने कोरोना पीड़ितों को देखा, उनसे मिले। केंद्र सरकार ने तो मना कर दिया है किसी तरह की मुआवजा देने के लिए, क्या राज्य सरकार कुछ ऐसा कर पा रही है, आर्थिक सहायता? नहीं, राज्य की सरकार ने तो साफ साफ घोषित किया है कि जो लोग भी कोरोना से मरे हैं 4 लाख रुपया बिहार की सरकार उनके परिवार को देगी। तो राज्य की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है और यह काम हो भी रहा है। कई ऐसा परिवार है दुर्भाग्य से जिनके बच्चों का माता पिता दोनों उनसे छिन गए, अब अनाथ बच्चा है, उसके लिए अलग से पढ़ाई लिखाई के लिए हर महीना अगले कुछ वर्षों तक बिहार की सरकार पैसा देगी ताकि उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कोई कठिनाई नहीं हो, साथ ही साथ 4 लाख रुपया मुआवजा भी मिलेगा। सब बाढ़ प्रभावित लोग कुछ क्षेत्रों में बुरी तरह से परेशानी में हैं और शायद उनको सरकारी सहायता नाकाफी लग रहा है, लोग सड़क पे उतर रहे हैं, प्रशासन को कोस रहे हैं। कितनी आपकी सरकार जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कुछ कर रही है जिससे लोग सांत्वना मिले? देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए जो कुछ भी दिया जाना है सारा प्रोविजन बना हुआ है। हाँ, कहीं तात्कालिक व्यवहारिक कठिनाई होती होगी, समय पर राहत नहीं पहुंचने के कारण, तो हम भी घूम रहे हैं, कई जगह से समस्याओं की जानकारी भी मुझको मिल रही है और उसके आधार पर उचित जगह तक मैं पहुंचाऊंगा इन बातों को, और मेरी कोशिश होगी कि लोगों को अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी राहत।